अब हम यहाँ पे आ गए हैं। इफ़ यू मूव द कैमरा, ये वो जंगल है जहाँ पे आज से कोई 27 साल पहले का वाकया है, ये यहाँ पे पेश आया। दिस इज द प्लेस वेयर अबाउट 27 ईयर अगो, दिस इज द फॉरेस्ट वेयर वी केम नाउ। अब इस जंगल से हम चलते हुए उस जगह पहुँचेंगे जहाँ मेरी मुलाकात खुदा के साथ। ये वो जगह है जहाँ से मैं आता था रात के 2 बजे, मैं रात के वक्त आता था और आज भी आता हूँ। और ये जगह है वो जहाँ से मैं आके दुआ करता हूँ। अच्छा, ये जो ख़ास जगह है, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कम्स midnight 2 o'clock and to pray, and I was praying almost 12 years। मैं यहाँ पे 12 साल दुआ करता रहा क्योंकि रब्बुल आलमीन ने मुझसे कहा था मैं यहाँ पे आके इंतज़ार करूँ। अच्छा, लेट्स गो लिटिल बिट मोर फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे। अब हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे मैं बैठ के दुआ करता था, और ये वो दरख्त है, मे बी कैन कम देयर नियर, ये वो दरख्त है जब मैं उधर जाके दुआ करता था। सामने की तरफ जाएंगे हम, और ये वो दरख्त है जहाँ पर अबलीस बैठ के इंतज़ार करता था। दिस इज़ द ट्री वेयर लूसिफर वाज ऑलवेज सिटिंग ओवर हियर and was waiting in the dark night actually। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि इस रात के आखिरी पहर में यहाँ कोई भी नहीं है, अंधेरा है, तो वो कहने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से कौन सी सच्चाई का सूरज तुलू होगा और खुदा तुझे क्या तालीमत देगा। He was asking me that I am just waiting here, what kind of revelation God gonna deliver to you. So let's talk, go on the other side now where I was sitting and where I pray. अब उधर चलते हैं जहाँ पे हमने दिखाऊंगा जहाँ पे बैठ के मैं दुआ करता था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, वो जो दरख्त दिखाया था सामने जो है, if you can move on there, वो जो दरख्त है वहाँ पे अबलीस बैठ के रात के वक्त, जबकि मैं यहाँ पे बैठा होता था, इस जगह पे भी चलते हैं। इफ़ यू कम नियर देन यू कैन शो दिस। तो वो ये दरख्त है जहाँ पे अबलीस रात को बैठकर इंतज़ार किया करता था, और अबलीस ने यहाँ तक कहा, जब मैंने एक दफ़ा उससे पूछा कि दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, तुझे वहाँ होना चाहिए, उसने कहा वहाँ मेरे पैरोकार काफ़ी हैं, लेकिन इस जगह मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ खुदा तुझे वो नई तालीम देगा जिससे मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इस इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ कि वो तालीम क्या होगी, ताकि इब्तदाई हालात में मैं तुझे उस तालीम को की तबलीग करने से पहले या दुनिया में फैलाने से पहले तुझे मैं रोक सकूं। तो अब हम आ जाते हैं इधर की तरफ। कैन यू मूव अराउंड स्लोली, मूव अराउंड दिस कैमरा, ओके, नाउ कम बैक टू मी, come back to me. So one day I was asking Lucifer, there's a great superpower, you should be over there to intervene and invade over there. I'm just sitting over here in deep night and there's no one around here. He say, I am over here because I want to come to know what kind of revelation God gonna reveal
and what will be the will of God. So very early stages, I should stop you. And that's why I'm here. The world, I do not care because I occupied this world, I dominate this world. So my followers are taking care of this world. But I'm over here, right over there he was sitting. I'm over here, I want to know very early stages because I lost my light and I do not know, but when I will see you this day, I will come to know what kind of truth God reveals. तो उसने कहा नूर मेरा खोया गया है लेकिन जिस दिन तुझे यहाँ नींद तालीम मिलेगी तो उस दिन मुझे खबर हो जाएगी वो नई तालीमात क्या है। अब हम थोड़ा सा और चलते आगे तो वहाँ पहुँच के जहाँ पे मैं बैठता था आपको मैं ले चलता हूँ जहाँ पे मैं रात के वक्त दुआ करता रहता था। देन लेट्स गो ऑन द अदर साइड। यस And this is a place you can see where mostly night I was praying. ये वो जगह है जहाँ पे मैं रात को आके घंटों घंटों दुआ करता रहता। यहाँ पे बहुत सी मखलूकात भी आई है, अबलीस के पैरोकार भी आए हैं और यहाँ पे अंबिया भी आए हैं, यहाँ पे फरिश्ते भी आए हैं, यहाँ पे जिब्राइल भी आए हैं और यहाँ पे एक आला मखलूकात भी आती रही और यहाँ पे खुदा का नूर भी आया है और यहाँ से ही पहला मेरा सफ़र जो है वो शुरू होता है। मे बी यू गो ऑन द अदर साइड। यस एंड नाउ मूव अराउंड दिस कैमरा इस साइड। यस साइड। अच्छा वो जब रात का वक्त था अगर आप इधर देखें तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आसमानी नूर जिसने पूरे आसमान को ढक लिया है और पूरे जंगल में आग लगी हुई है मैंने देखा और उस नूर में इतनी दहशत थी कि मैं हिल नहीं सका अपनी जगह से। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था और वो नूर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आता रहा यहाँ पे। जब वो यहाँ पे पहुँचा है तो मुझे आवाज़ आई कि मैं वो खुदाए वाहिद हूँ जिसने कायनात तख्लीक की और वो नूर जो था आग का नूर फिर नीला नूर वो मेरे गेट जो है भंवरों की तरह घूमने लगा और यहाँ से ही मेरा सफ़र जो है वो आसमानों पे शुरू होता है। इट वॉज लाइक ए टर्नाटो and the whole forest was burning here but not really forest was burning lagta aise tha jaise jangal nooram noor hoke jal rahe hain lekin aag nahi lagi hui thi ye haq taala ka noor tha aur phir wo ghoomne laga the toronto was moving very intensive and then my spirit remained over here and I was traveling vertical spirit with god into heaven और यहीं से मैं जो है मेरा सफ़र शुरू होता है खुदा के साथ। और मेबी यू कैन मूव वन टाइम यू कैन शो दिस वन टाइम यू सी दिस डायरेक्शन दिस यस ओके। यहाँ पे मैं 12 साल मैंने दुआ की। हक ताला ने ना मुझे वक्त बताया था ना कोई तारीख ना महीना, कहा बस यहाँ आके दुआ कर और इंतज़ार कर। यहाँ मैंने सब्र के इस्तकामत के और बड़ी मार्फत इलाही की। मैंने यहाँ दुनिया से रोशनास हुआ। यहाँ पे अजीब अजीब मामलत पेश आए मुझसे और 12 साल के बाद फिर ये वाक़ जो मैंने किताब में लिखे हैं मेरा ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है खुदा तआला के साथ। एंड देयर इज अमेजिंग थिंग हैपन ओवर हियर and from there this journey began with God actually. Okay, now I'm gonna sit down and I'm gonna pray and that's the way you're gonna pray actually. अब मैं यहाँ से दुआ करूँगा यहाँ पे जैसे मैं करता था और आप भी वैसे दुआ करेंगे और रात के वक्त और असर दो वक्त हैं दुआ के। इन दो वक्त के अंदर
पहली चीज क्या करनी वो मैं आपको बताता हूँ। दुआ जो है वो एक मोहब्बत का आलम है जिसमें अपनी मोहब्बत, उसकी याद, उसका बिछड़ने का गम है, जहाँ दिल की हालतें दुरुस्त की जाती हैं। यू कैन कम मोर नियर है। प्रे इज ए समथिंग, इज ए longingness, remember your love that you want to, all your life you want to meet your beloved one. And this is a very special moment, and God asked me, there's only two times there's a, you can pray, is about 3:30 or mid 2 o'clock night, actually early 2 o'clock night. So ye do waqt ki jo namaz hai, God said this is not a compulsory, you don't have to be, this only when you are longing to meet God. ये जो दुआ दी है असर की और रात के 2 बजे की, खुदा ने कहा ये फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तलाश में, जो मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और मेरे हो जाना चाहते हैं। तो इसलिए इस दुआ के अंदर, जैसा कि वो मैंने 20 वॉल्यूम उर्दू में कही हैं, आप उनमें से भी ले सकते हैं दुआ, और मुनाजात दुआ के अंदर आपने क्या करनी है मैं आपको बताने लगा हूँ। ओके, लेट्स सी, आई शो यू। आप जैसे खड़े होंगे तो पहले जो है अपने हाथ जोड़ के उस खुदा की तरफ, आसमान की तरफ देखना है। कैन यू कम नियर, आसमान की तरफ देखना है और उससे कहना है कि ए वाहिद, तू एक है, मैं तुझे एक कहकर अब भी अंदर अपनी ख्वाहिशों के बुत छुपाए बैठा हूँ। आज भी मैं तेरे साथ एक नहीं हो सका, एक उम्र बीत गई, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसे संगम पे तुझसे मिले कि हम दो नहीं बल्कि एक हो जाएं। ये कह के आपने ऐसे रुकू में जाना है, ऐसे रुकू, जब रुकू में आपने जाना है तो यहाँ जब तक आपका दिल ना भरे आपने रुकू में कहते रहना है, ए हक ताला खुदाए वाहिद, ए सच्चे वालदैन, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे। ये इतनी दफ़ा कहना है जब तक के दिल के उरफान पे, और जब तक दिल चाहे, वो इसकी लिमिटेड नहीं है। सो नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। द वे इज दैट यू पुट योर बोथ हैंड टुवर्ड हेवन एंड से टू गॉड, ओ मोस्ट बिलव्ड गॉड, ओ टू पेरेंट्स, आई कॉल, यू आर द ओनली वन, बट नाउ इन माई हार्ट आई एम फिल with fallen wishes, and this is a reason that my heart is not open. This palace is filled with my wishes, so you cannot come inside and live with me. Allow me that is a time arrived that we become a one, not a two. God always meet when we are oneness with God. Then you have to go this way. Now this is a position where you have to call God, not to increase your knowledge, asking God,
O most beloved God, O most beloved Heavenly Father, I want to touch my heart. I want to love you, and you touch my heart, open my heart, so my heart become oneness and true thinking with you. And you're the only one where I become mystics, and you become my last love. Okay, in this position, you have to say, so long a fulfillment come. You don't need to count, actually. जैसे मैंने पहले बताया, अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है कितनी दफ़ा कहा है. कहते ही जाना है, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बसा दे, इलम ना बसा. जिन नबियों ने ये दुआ की, मेरा इलम बसा दे, वो आलम अरवा में बड़े दुखी हुए और गमगीन हुए. उनमें एक कई नबी हैं. मेरे दिल में मोहब्बत बसा दे, मेरे दिल में वो जज्बा दे रहम का, मेरे दिल में वो जज्बा दे कि मैं इंसानियत को माफ़ कर सकूं. ये कहते चले जाना है आपने बार बार कि मेरे दिल में मोहब्बत बसा दे, क्योंकि मोहब्बत जो चीज़ है वो सब सह लेती है. मोहब्बत कुर्बानी देती है, मोहब्बत दूसरों का अच्छा चाहती है, मोहब्बत दूसरों के लिए अपने आप को फना कर देती है, मोहब्बत सब सह लेती है. और मोहब्बत सबसे ज़्यादा ये कि मोहब्बत दूसरों के लिए ज़िंदा रहती है. तो ये इसलिए, ओ फादर आई लव यू, खुदा मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे अंदर मोहब्बत बसा दे. सो कंसिस्टेंट से वर्ड, ओ फादर आई लव यू, लेट इट कम योर लव इनसाइड, बिकॉज लव इज हैज़ मैनी क्वालिटी. लव सेक्रीफाइस, लव forgive, love give and forget, love want to do everything best for the next one, love is in the end do everything that other can be happy. So dede one hai, ye ek hai. Ab hum sajde mein jayenge, aur sajde mein jaake humne ye nahi kehna hai subhan rabbi yaladim, subhan rabbi yal, ye cheez nahi kehni. उसका अर्श तो बहुत बड़ा है, उसकी कायनात भी बहुत बड़ी है, ये तो हमने देख ली, उसकी बड़ाई भी देख ली. अब सजदे में हमने क्या कहना है, सजदे में जाके हमने मुनाजात करनी है. ठीक है, तो अब मैं सजदे में जा रहा हूँ, और इस सजदे में जाके हम अपना दिल खोलेंगे. नाउ आई विल गो नाउ बाव एंड देयर वी विल ओपन आवर हार्ट, लाइक यू टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू टॉक टू योर लव वन, यू टॉक टू योर बिलव वन, यू टॉक हु यू ट्रस्ट, you talk to your partner, you open your heart and you speak everything. Is sajde ke andar aapne apna puri dukh takleef gham chain sab kuch bayan karna uske huzoor, apni aarzoo apni tamannaye, aur ye bhi bayan karna hai ki is zameen pe aake woh din kab aayenge ki main tujhe pa sakunga, main tera ho sakunga. To ab ज़मीन के ऊपर जाके उस लहमों का इजहार करना है. अब मैं जब सजदे में जाऊंगा, मैं सिर्फ ये दुआ करूंगा कि वो संगम ला कि हम दोनों मिले वहाँ पर. ऐ खुदा, ऐ बाप, वो संगम ला, ऐ वालदेन, उस संगम को ले आ यहाँ पे, ताकि हमारा एक मिलन हो जाए. तो अब मैं यहाँ पे सजदे में जाऊंगा, और इस संगम के अंदर, इस सजदे के अंदर मैंने मुनाजात करते जाना है, अपने दिल का हाल बयान करना है, अपनी कमज़ोरियां बयान करनी है, अपनी हकूमतें, अपनी शाया शान बयान नहीं करनी, फ़ख्र नहीं करना. यहाँ अपना सब गम, अपनी सब कमज़ोरियां, अपना सब जो कुछ आप पे बीत रही है कि ऐ खुदा, इस ज़मीन के लोगों ने मुझे आजिज कर दिया, तेरी आसमानी मखलूक से तो मैं आजिज़तर हूँ, तो फिर तेरा क्या सवाल. अब मैं इस सजदे में, इससे ज़्यादा जब कोई इंसान सजदे में चला जाता है
تو وہ ذلیل کر دیتا ہے اپنے آپ کو, وہ پست کر دیتا ہے. اور یہاں پہ آپ نے رحم کی دعا مانگنی, مجھ پہ رحم کر دے, انسانیت پہ رحم کر دے. آپ نے یہ سجدے میں یہ باتیں کرتے رہے مناجات. اب پھر آپ نے سجدے میں سے اٹھنے, جب آپ کا دل بھر گیا, اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے کھڑے ہو کے پھر وہی کہنا ہے, ہاتھ اٹھا لیں کہ میں تیرے ساتھ ایک نہیں ہو سکا, مجھے اپنے ساتھ ایک کر دے, میری خواہشات کو نکال دے, ان کو خاک میں ملا دے, اور پھر آپ نے جھکنا ہے اور اس سے محبت مانگنی ہے, پھر سجدے میں جا کے مناجات کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے جب یہ سلام پھیرنا ہے تو سلامتی جو ہے کل جہانوں کے لیے مانگنی ہے, اپنی نہیں مانگنی, کل جہانوں کی سلامتی مانگ لیں گے, بڑی مخلوقات ہیں, کل جہانوں پہ سلام پھیرنا ہے, ادھر بھی سلام پھیرنا ہے, اگر ان پہ سلامتی ہو گئی آپ پہ بھی ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ میں آپ کو وہ جو میں نے کون سی والیم تھی, وسواد والیم وہ عشق کے پیڈت میں نی منوادا گاٹ بادا میں. اوکے, اب ان جو مناجات میں نے کیے ہیں یہ رکو میں سجدے میں, یہ وہ دعا ہے جو میں بتا دوں گا. وہ دعا جو ہے وہ آسمانوں پہ خدا نے آمنے سامنے کر کے مجھ سے بیان کی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا میں تھا, جب کچھ نہیں رہے گا تو میں رہوں گا. تو وہ جو دعا جو ہے وہ میں علیحدہ آج شام کو میں پڑھ کے سنا دوں گا کہ وہ, بلکہ وہ والیم میں ہے, میں بتا دوں گا وہ کس جگہ پہ ہے. وہ مناجات میں اور سجدے میں وہ دعا پڑھنی ہے کم سے کم ایک دفعہ, ایک دفعہ رکوع میں, ایک دفعہ سجدے میں پڑھنی ہے, دو دفعہ ایسا آپ نے کرنا ہے اور پھر سلام پھیر دینا ہے. لیکن پہلوانی نہیں دکھانی ہے آپ نے اور جلد بازی نہیں کرنی. سو دے دے ون اسپیشل پرے ان دی والیم وچ یو ہیو ٹو پرے لیٹر آن. آئی ٹرانسلیٹ ایون گاڈ ول ہم سیلف وین دے واز اے نتھنگ آئی واز دیئر گاڈ سے اینڈ دین وین دے ول بی نتھنگ ان فیوچر آئی ول بی دیئر اینڈ مائی ول بی ڈن. Future cannot turn any way but to fulfill my will. I will repeat this in English and in Urdu. تو وہ میں دعا جو ہے وہ محبت بسا دے اس میں پڑھنی ہے اور سجدے میں پڑھنی ہے اور وہ مناجات کرنی ہے. یہ دو دفعہ ہے اٹھنا اور رات کو, رات کی جو مناجات ہیں میں تو گھنٹوں کرتا رہتا ہوں. اب ہر کسی نے دیکھنا ہے کتنی دیر اسے سکون ملتا ہے ان چیزوں سے. تو اب ہم یہاں سے ختم کرنے لگے ہیں اور جب ہم واپس جائیں گے تو وہ جو دعا دی ہے خدا نے وہ رکوع اور سجدے میں پڑھنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مناجات بھی کرنی ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے بھاگنے کی نہیں, کوشش جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے جسم سجدے میں لذت پا جائے اور دماغ کی سوئی خالص فکر اللہ تعالیٰ پہ ٹھہر جائے جا کے, اور شعور اس کی یاد سے قرار پا جائے, اور ضمیر جو ہے اس کی سچائی سے لبریز ہو جائے, دل اس کا ہو جائے اور روح اس میں جا کے فنا ہو جائے. یہ ہے کوشش اس دعا کی. سو دی موسٹ انر پرے از دیٹ باڈی فیل جوائے وین یو باو, یور مائنڈ شوڈ stay on one point in true thinking about God, your consciousness state that you become a fill with memory and love of God, your conscience a researching in this moment universal truth of God, your heart become filled with love of God and joy, and your spirit find harmony with God. This is the whole sense of the prayer. تو یہ ہے, اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے
और मैं आखिरी बात बता देना चाहता हूँ, ये जो दुआ है ये इस्लाम की मलकियत नहीं है। इस्लाम से पहले तमाम अंबिया जो थे वो सजदे में जाके दुआ मांगते थे, चाहे वो ईसा इब्ने ज़करिया हों, इब्राहिम और जितने भी हों, आदम लोग, वो सजदे में जाके। तो ये यूनिवर्सल भाव है, ये सजदा कोई इस्लाम की मलकियत नहीं है, लेकिन अब लगता यूँ है कि ये इस्लाम की ईजाद है, ये बिल्कुल गलत है। इस पे जैसे मार्का लगा दिया गया है, बिल्कुल गलत है। ये कहो मका की दुआ और सजदा है। खुदा हाफिज़। बाद में फिर मैं वीडियो वो दुआ में बताऊंगा। ये दरख्त भी बड़ा मुबारक है, यहाँ पे तमाम अंबिया ने आके बैठकर इधर और उधर दुआ की है जब मैं खुदा का इंतज़ार करता था। तो मैं पहले इंग्लिश में ये दुआ बता देता हूँ ताकि वो जो इंग्लिश स्पीकर हैं जब आप झुकें तो एक दफ़ा आपने पढ़नी है, सजदे में भी एक दफ़ा पढ़नी है। यहाँ झुकें तो ये कि मोहब्बत बसा दे, वहाँ झुकें जब सजदे में तो फिर उससे जो मुनाजात करनी है कि मैं तुझसे एक हो जाऊँ, संगम पे मुलाकात हो, वहाँ भी एक दफ़ा ये पढ़नी है। तो पहले मैं ये खुदा ने बराह रास आलम बाला जन तुम्हें, उसने कहा तू मैं जैसे कहता जाऊँ तू बोलता जा, तो खुदा कह रहा था और मैं दोबारा इसको दोहरा रहा था। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में बयान कर देता हूँ। दिस इज़ ए डायरेक्ट रेवलेशन बाई गाड इन द हाइस्ट हेवन एंड गाड से जस्ट रिपीट योर सेल्फ आफ्टर मी। सो आई When you go down, one time you have to read this prayer. When you bow, one time you have to read also this prayer. So now I read this prayer. The divine message. I am the God. I am the divine spirit I was when there was nothing. And if there will be nothing, I will be there. When there was a darkness, I was there. Light came through me, before me. Nothing existed. Nothing was existed. In the whole eternity and the universe, everything can lose its beauty. But I will be there. Nothing can change me. Nothing can destroy me. Nothing can influence me. I am the transcendence, the time and space. When I give one purpose, it will be exist. For the whole eternity, I am the life, beauty, and embodiment of love. I am unchanged, was it in the past, be in the present, and will be in the future. My way is absolute and perfect. I am higher than the whole eternity, and I am the origin of all existence, and I decide its everlasting purpose. For me, for my spirit comes all the blessing, and I am the true creator of the whole universe. Then God is continued. I am the origin of the light. I am the light of heaven and the earth. And I am absolutely unchanged, unchanging. What I think I will do. The universe cannot come between my will, but only follow my will. I am the true concept of life, peace, happiness, and all the ideals will be fulfilled. Send it on me. That's what God talking. The liberation, the true liberation comes when someone loves me. I am the origin, satisfaction of the heart for the internal happiness. When someone longs for me, he will discover eternal happiness. Without me ever left, everything is uncompleted. And without me, every spirit is empty. I was observing the darkness, and through my will, I brought the light from darkness. When I started to create the eternity, everything moved to its perfection. O Zahid,
my heart. You say, I am the divine spirit. I will live for the whole eternity. Both the life and the death are serving me. I came from darkness to complete the true love. And I am the origin where love settle down and find it home actually. No one is like me, was not in the past, is not in the present, and won't be in the future. And even the whole eternity is no alternative for me. If I would have given the whole eternity to mankind and I would not be there, then the happiness would never find its fulfillment and love would never find its original home. Say once again that I am God and I am the divine spirit. Once again, then again say God. Phir pada khuda ne. I repeated everything what God has spoken. Then God said to me, this godly message is destined for all beings, angel and mankind. Whoever is yearning for me will experience the same reality which you came to know. And tell them that I am a living God and I know the situation for each being. Follow me and I will bring you home, all home. Then God said again to me, tell all mankind, I am a visible God. Whoever says to you, I am only the light, tell them this is not true. Whoever say I am the whole, I am the energy, tell them this is not true. When they say that I am the only the invisible God, tell them this is not true. Remember, all the light and all different energy came through me. Then God held my hand and say, come with me, O my heart. I will bring you in the path where you will come to know more about me. You will tell all those experiences to mankind and I will be always with you. And I will be always your witness. I will be always with you. And this was the prayer what I repeated after God. So maybe I need 1 minute break and then I will translate in the Urdu. ये कैमरा जो है इसकी बैटरी जो है उसमें जो वक्त है क्योंकि उर्दू में बोलने के लिए वक्त चाहिए इसको ट्रांसलेट के लिए तो इसको अब घर जाते हुए मैं फिर इसको उर्दू में कहूँगा और बताऊँगा कि रुकू और सजदे में क्या कहना है उसके बाद ये दुआ कंप्लीट हो जाएगी तो अभी कुछ देर के बाद मैं फिर इसी दुआ को तर्जमा करके बताऊंगा जो खुदा कह रहा था और मैं खुदा के बाद कह रहा था अब जो ये दुआ यहाँ पे ये दुआ जो है खुदा ने मुझे कहा और मैंने दोहराई ये आपने रकू में भी पढ़नी है एक दफा ये दुआ इसको याद करना है आपने एंड आई टेल द अदर पीपल दे हैव टू लर्न एंड रिमेंबर दिस प्रे They have to read one time in Ruku when they go and one time in when they bow position. एक दफा आपने रकू में जब आपने कहना है मेरी मोहब्बत बसा दे मेरे दिल में और उसमें एक दफा ये दुआ पढ़नी है जो ये आप सुनेंगे और जब मुनाजात कर रहे होंगे तो एक दफा सजदे में पढ़नी है आपने पहले दुआ पढ़नी है फिर मुनाजात करनी है मुझे उस संगम पे मिल कि मैं तेरा हो जाऊँ बस ये कहना था इसके बाद ये दुआ शुरू होगी और ये खुदा के अल्फाज हैं और मैंने इसको दोहराए और खुदा ने कहा हर इंसान उससे मिल सकता है गॉड से एवरीवन हैव की टू मीट गॉड डायरेक्ट थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू शुक्रिया मैंने बड़ी माजरत के साथ कि काफ़ी वक्त मैं मसरूफ था आज मैंने ख़ास वक्त लिया आपके लिए और इस दुआ के लिए और थैंक यू सो मच दिस पर्सन और शुक्रिया इसका भी इनका भी जिन्होंने ये मेरी मदद की थैंक यू गॉड ब्लेस यू
جب میں اس کے حضور پہنچا تو بے اختیار یہ الفاظ تھے، اے رب العالمین، اگر تو یہاں تک نہ بلاتا تو میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. اور پھر میں نے کیا دیکھا، جب میں سجدے میں رو رہا تھا تو حق تعالیٰ نے مجھے سجدہ کیا. پہلے مجھے سجدہ کیا، اب یہاں بھی وضاحت کر دوں، میرا سجدہ اس کو اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی اطاعت، اس پہ ایمان، اس پہ محبت، اس کی وفا میری زندگی کا مقصد ہے. اس نے جو سجدہ کیا وہاں پہ، وہ میری محبت کو سجدہ تھا. پھر یہیں بس نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے آگے بڑھ کر مجھ کو میرے اوپر سجدہ کیا، اور اس کے اس حال میں میں انسانیت کو کیا بتاؤں. یہ وہ راز ہے، وہ جانے جس پہ یہ بیتی ہو. اب تب خدا کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں رب العالمین ہوں تمام مخلوقات کا، جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے میں اس کا خدا ہوں. تب خدا نے کہا میں نوروں کا خدا ہوں، یا ایک بات اور بھی واضح ہو جائے، اندھیروں کا خدا نہیں کہا اس نے. تو ایک وقت گزرا ہے اس اندھیروں کے جہانوں میں کہ یہ اندھیرے یہ خدا سے پہلے تھے، خدا پہلا مقدمہ ہے ان اندھیروں میں، اور وہ God is the first cause of the universe. تب خدا نے کہا مجھے چھو، میں تیرا خدا ہوں اور میں سب جہانوں کا خدا ہوں. خدا نے مجھے وہاں گلے لگایا، وہاں پر پتہ لگا کہ خدا پا جائے تو وہ سچی خوشیاں، وہ محبت ہیں، وہ آزادی جہانوں کی، سب کچھ، سب دریا اور سب کچھ اس کے اندر ہی ہے. یہ ایک ایسے تجربے تھے. تب خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ کہ میں تمام مخلوقات کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھ تک آئیں. پھر خدا نے مجھ سے کہا، تب حق تعالیٰ نے مجھ سے کہا، جب تو میرے جہانوں میں سفر کرے تو تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں یا اور ہوں ان کو بتاتے جانا کہ میں دکھائی دینے والا خدا ہوں، میں ملنے والا خدا ہوں. میں صرف انبیاؤں کو نہیں ملتا، میں صرف فرشتوں اور اعلیٰ مخلوق کو نہیں ملتا، میں ہر اس شخص اور مخلوق کو ملتا ہوں جو ایک دل میرے لیے لے کے آتے ہیں، جس میں سب کچھ خالی ہو جائے اور میری محبت ہو. تب خدا نے کہا جہاں پہ تو اب یہ کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی مخلوقات کا گزر نہیں ہوا، نہ انبیاء کا، نہ فرشتوں کا، نہ کسی اور گولڈن اور بلیو، کسی کا یہاں پہ گزر نہیں ہوا، یہاں پہ ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. تب خدا نے کہا واپس جا اور تمام جہانوں میں منادی کر، اور انسانیت میں، کہ میں نے تجھے اپنا دل کہا اور تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تب خدا نے کہا میرے کہا کہ جو الفاظ اب میں کہوں گا تو بھی کہتا جا میرے بعد. اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا جو میں اب کہوں گا اور بولوں گا یہ سب کچھ تمام مخلوقات کو بتانا. رب العالمین نے کہا میں الہی روح ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا
तो मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा। जब अंधेरे थे मैं उन अंधेरों में भी था, रोशनी मेरे जरिए शुरू हुई, मुझसे पहले कोई चीज अपनी तखलीकात में नहीं थी। कुल्ले कायनात जाहिरतन और बातन सब कुछ अपना हुसन खो सकते हैं, तबाह बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। मुझे कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती, मुझे कुछ भी और कोई चीज तबाह नहीं कर सकती, कोई चीज मुझ पे असर अंदाज नहीं हो सकती। मैं वक्त और फजाइद खीला स्पेस से मुहावरा हूं। जब मैं एक मकसद दूं जिंदगी का तो वो अब्दि और दामाई है। जिंदगी मुझसे शुरू हुई, हुसन मुझसे शुरू हुआ और मोहब्बत मुझसे शुरू हुई। मैं वो खुदा हूं जो तब्दील नहीं होता, ना माजी में, ना हाल में और ना मुस्तकबिल में मैं तब्दील होऊंगा। मेरी राहें कतई यकीनी और कामिल हैं। मैं पूरे कोहो मकां अब्दी जिंदगी से ऊपर और बाला और महावरा हूं। मैं फाइल हूं, मैं असल हूं, जहां से सब कुछ तख्लीक हुआ, और मैं हूं जो जिंदगी का मकसद जो हमेशा है वो बताता हूं, और वही मकसद अब्दुल दामाई इस दुनिया में और आखिरत में रहेगा। मेरी रूह से तमाम बरकतें हैं कुल्ले जहानों में, और मैं हूं सच्चा खुदा, मैं खुदाए वाहिद हूं कुल्ले जहानों का। मैं असल रोशनी की इब्तदा हूं, जहां से रोशनी शुरू हुई। मैं आसमानों और जमीनों का नूर हूं। मैं वो खुदा हूं जो तब्दील नहीं होता, जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं। कोई भी नहीं जानता मुस्तकबिल के बारे में सिवाय मेरे। कुल्ले कायनात जाहिरी और बातनी मेरे रास्ते में नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ मेरी इताअत करती है। मैं असल तसव्वुर हूं, जहां से जिंदगी सुकून अमन खुशियां आजादी और तमाम मिसाली तसव्वुर मुझसे शुरू होते हैं। असल नजात, असल इंसान को जो आजादी है जब मिलती है, जब इंसान इब्तदा और आखिर में मुझसे मोहब्बत कर लेता है। मैं असल हूं, जहां से दिल मुतमईन होते हैं, और मैं राज हूं आने वाली खुशियों का जो अब्दुल आबाद हमेशा रहेंगी। जब कोई मेरा सवाल करे, जब कोई मुझे तलाश करे, मेरे लिए दिल की खिड़कियां खोले, तो वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, हमेशा की खुशियां पाएगा, और मोहब्बत हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। मेरे बगैर कोई चीज भी ना मुकम्मल नहीं, और मेरे बगैर हर रूह
खाली है मुझसे ही सब कुछ पैमाने जिंदगी और मोहब्बत के भरते हैं। ऐ साहिद मैं हूं असल खालिक रोशनी का, मुझसे पहले अंधेरे ही अंधेरे थे। मैं हूं जिसने खेच निकाला रोशनी को अंधेरों से और जुदा किया रोशनी को अंधेरों से। जब मैंने कुल्ले कायनात की तख्लीक की तो फिर हर चीज मूवमेंट उस तरफ जाने लगी और अपनी कामलियत के रास्तों पे गामजन हो गई। ओ साहिद, ओ मेरे दिल, तू कह कि मैं इलाही रूह हूं, मैं हमेशा रहूंगा कुल्ले कोहो मका और अबदी जिंदगी में। जिंदगी और मौत मेरी खिदमत करती हैं और आखिर में मौत भी कोई चीज नहीं रहेगी। मैं अंधेरों से बाहर निकला कि मोहब्बत की तकमील करूं। मैं असल हूं जहां पे मोहब्बत अपनी प्यास बुझाती है और मैं वो असल जहां पर मोहब्बत अपना मस्कन पाती है और अब्दुल आबाद अपनी खुशियां और असल घर पाती है। मैं रब्बुल आलमीन हूं, कोई भी मुझ जैसा नहीं, ना माजी में था ना हाल में है और ना मुस्तकबिल में होगा। अगर मैं कुल्ले कोहे मकां दे दूं अपनी मखलूकात को तब भी मेरा कोई बदल नहीं। अगर मैं जाहिरी और बातनी कायनातें सब कुछ अपनी मखलूकात को दे दूं और अगर मैं ना होता तो ये खुशियां कभी भी अपने मस्कन को ना पाती और ये मोहब्बत कभी भी अपने असल घर को ना पाती। मेरी वजह से जिंदगी और मोहब्बत आबाद है। कह एक और दफा कि मैं वो हक ताला हूं, मैं खुदा हूं और मैं इलाही रूह हूं। मैं वो हर चीज को दोहराता रहा जो मेरा बाप मेरा सच्चा वालदैन खुदा कहता रहा। तब खुदा ने मुझसे कहा कि ये पैगाम इलाही पैगाम, ये है असल तकदीर तमाम मखलूकात फरिश्तों और इंसानों की। जो भी मेरी तलाश पूरे दिलो जान से करेगा मैं उसकी आवाज पे पहुंचूंगा, मैं उसकी आवाज का जवाब दूंगा, मैं भी उससे मोहब्बत करना शुरू करूंगा। वो सब मुशाहदात और जो तजर्बात जो तुझे हुए वो सब मुशाहदात और इससे भी बढ़ के तमाम मखलूकात जो है उनको मैं दूंगा। और बता मखलूकात और इंसानों को कि मैं जिंदा खुदा हूं और मैं आज भी हम कलाम होता हूं। जो भी मेरे लिए मेरे हजूर एक दिल लेके आएगा मोहब्बत का मैं उसे कबूल करता हूं। मैं आज भी जवाब देता हूं, मैं आज भी हम कलाम और बोलता हूं, मैं इल्हाम भी करता हूं, वही भी करता हूं और अपने पास भी बुलाता हूं।
मेरे कदम पे कदम मिलाकर मेरी तलाश कर और मैं तुझे अब्दुल आबाद उन जंतों में पहुंचा दूंगा कि जहां तू मेरे साथ होगा और हमेशा के लिए जिंदगी बसर करेगा, जहां ना खौफ होंगे ना गम होंगे। फिर हक ताला ने मुझसे कहा, बता पूरी इंसानियत को कि मैं दिखाई देने वाला खुदा हूं। अगर कोई ये कहे तुझसे कि मैं सिर्फ रोशनी हूं, तो कह उसको कि ये पूरा सच नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं एनर्जी तवनाई हूं सिर्फ, कह ये भी पूरा सच नहीं है। जो ये कहे कि मैं ना दिखाई देने वाला खुदा हूं, उसको भी कह कि ये भी पूरा सच नहीं है। याद रख, तमाम रोशनियां, तमाम एनर्जीज, तमनाइस, सब कुछ मुझसे निकला है। तब उस रब्बुल आलमीन ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा, आ मेरे साथ ए मेरे दिल, ए मेरी मोहब्बत, मैं तुझे लेकर चलूं माजी में, जहां तुझे और कुछ इलाही इलम तुझ पे रोशनास हो, तुझ पे और मुशाहिदात हो। आ मैं तुझे अंधेरों में भी अपनी इलाही बादशाहत दिखाऊं। जो कुछ तू मुशाहिदा करे, जो कुछ तू देखे और सुने, मेरी मखलूकात को भी बताना और इंसानों को भी बताना। मैं गवाह हूं कि सब कुछ जो तू कहेगा मैं तेरे साथ हूं, और अब्दुल आबाद तेरा और मेरा हाथ कभी भी नहीं छूटेगा।